पटना में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव साइकिल मार्च के दौरान सड़क पर ही गिर गए। दरअसल आरजेडी 28 जुलाई को साइकिल रैली निकालने वाली है और उस रैली की तैयारी के तहत ये प्रैक्टिस हो रही है। तेज प्रताप यादव साइकिलिंग की प्रैक्टिस करने निकले थे और इसी दौरान तेज प्रताप यादव सुरक्षा कर्मियों की जिप्सी से जा टकराए और सड़क पर ही जा गिरे। तेज प्रताप यादव को उनके उठाया और वो फिर साइकिल चलाने लगे। उन्हें हल्की सी चोट आई। आप देखिए कैसे गिरे तेज प्रताप। ये बताया जा रहा है कि ये एक प्रैक्टिस थी जिस प्रैक्टिस के लिए वो निकले थे। उनके साथ उनके समर्थक थे, पार्टी के समर्थक थे, सुरक्षा कर्मी भी थे और वो प्रैक्टिस कर भी रहे थे। ऐसा नहीं है, साइकिल चलाना अच्छे से आता है उन्हें और वो साइकिल चला रहे थे, लेकिन उन्हें जाने क्या सूझी कि वो तेज चलाने लगे साइकिल और अपनी ही स्कॉट की एक गाड़ी से टकरा गए और टकरा कर गिर पड़े। तेज प्रताप यादव पार्टी में भी महत्वाकांक्षा की बातें, अपने भाई से ही उनकी प्रतिद्वंदिता है और पार्टी में अपना महत्व बढ़ाने की एक कवायद। पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी निकले थे प्रैक्टिस के लिए, तो तेज प्रताप ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इसी तरह से अपने समर्थकों के साथ प्रैक्टिस के लिए निकले। और जाने क्या होता है तेज प्रताप के साथ कि वो जो कुछ भी करने निकलते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है कि भद पिट जाती है। अब इससे पहले कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफ़ी चर्चित हुआ था उनके नहाने का, उनकी किरकिरी भी हुई थी और इस बार फिर जब वो साइकिल रैली की प्रैक्टिस के लिए निकले तो यूं गिर पड़े।